हेलो एवरीवन, वेलकम टू रमन लाइव। आज हम बात करेंगे बेस्ट एंड इजी वे टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होने के लिए डिफरेंट पाथवेज हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा, वर्क हॉलीडे वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, स्किल्ड वीज़ा, एम्प्लॉयड स्पॉन्सर वीज़ा एंड पार्टनर वीज़ा। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा जो है एक पाथवे है पीआर के लिए, जिसको करने के लिए बहुत सारे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो करते हैं। उसमें पहला स्टेप जो आपका वो है, वो जो कोर्स है आपका वो अप्रूव होना चाहिए एजुकेशन बॉडी के थ्रू। एंड सेकंड थिंग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पीआर के लिए आ रहे हैं उनको 2 साल का कम से कम कोर्स करना ही पड़ता है, ताकि उनका जो 5 प्रोसीजिंग है उसमें वो एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर सके उनके की पॉइंट्स के लिए। करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम इंडिया। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो थी प्रूफ ऑफ फाइनेंसिस, जो कि आप सबको मालूम ही है कि ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन के मामले में थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये इंश्योर करते हैं कि आपके पास अपनी पढ़ाई के दौरान सस्टेनेबल फंड्स हों, ताकि आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई को अच्छे से सस्टेन कर पाए। और उसके बाद आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो वन ऑफ द मैंडेटरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस में आता है, खासकर हेल्थ के मामले में। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी समस्या हो जाती है, अगर आपका इंश्योरेंस होगा तो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसमें आप सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे कई सारे प्रोवाइडर्स हैं, उसमें आप अपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपने हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा प्लस या माइनस चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करा सकते हैं। तो ये काफ़ी मैंडेटरी चीज़ है जो आपको आगे जाके काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। उसके बाद जो आती है रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, किस कॉलेज में आ रहे हैं और आप किस कोर्स में आ रहे हैं। जैसे कई कोर्सेज हैं, जैसे आप सपोज करिए आप मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं बैकग्राउंड सपोज कि नर्सिंग या और मेडिकल कोर्सेज में आ रहे हैं, तो वो OET को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगर आप किसी और मास्टर्स कोर्स में आ रहे हैं तो उसके लिए आप IELTS, PTE, जिसमें भी आपको सही लगे, आपको कॉन्फिडेंट है कि आप इसमें डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं, तो वो आप अप्रूव कर सकते हैं। अपनी मेहनत करके आप डिजायर्ड स्कोर ले सकते हैं। ये जो हमारी वीडियो थी थोड़ी ब्रीफ थी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उस पर रिवर्ट करने की और आने वाले टाइम में उस पर एक डिटेल एनालिसिस करके आपको पूरा बताएं कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे प्रोसीजर है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।